जोहार। नागपुरी न्यूज कर यूट्यूब चैनल में रोरमन का स्वागत है। मैं सत्यव्रत ठाकुर रोरमन कर बीच में उपस्थित हूँ जिला राज्य और देश का समाचार का संगे। रोरमन हमारे न्यूज चैनल में नावाही हले, हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लो, संगे संग हमारे न्यूज बेस लागले लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करब। धन्यवाद। भोलेनाथ बाबा कही पुकार आज प्रभु रौरे सनाय आज प्रभु रौरे बारी झारखंड का राजधानी रांची से करीब 150 किलोमीटर और सिमडेगा से रामरेखा डहर होते 110 किलोमीटर दूर गुमला जिला कर एगो पहाड़ी ऊपरे विराजमान है बाबा टांगीनाथ धाम। यह धाम में मौजूद है भगवान परशुराम कर फरसा। वैसे तो ये फरसा खुला आसमान कर हेटे विराजमान है, मुदा आइस इकर में कोनो चीती न जंग नी लाई है जे कोनो रहस्य से कम न खे। हजारों वर्ष बाद ये पूरा पूरी सुरक्षित है। मानल जाएला कि जे भी मनुख ये फरसा से छेड़छाड़ चाही के चोराय कर प्रयास करेला उके गंभीर परिणाम भोगे पड़ेला। कहल जाएला कि एक धाव लोहरा जाइत कर कुछ आदमी मन फरसा के उखड़ाई के लेके कर प्रयास कर ले और जब फरसा के नी उखड़ाई पार ले तो उकर ऊपरे कर भाग के काइट के लेके खोज ले, मुदा उके भी उमन नी लेके पार ले। कहल जाएला कि घटना कर बाद आसे पासे रहक वाला लोहरा जाइत कर आदमी मन एक एक करके मोरक लग ले, जेकर बाद ई आसे पासे रहक वाला सब लोहरा मन गांव छोड़ के भाग गए। आज भी ई जाइत कर आदमी मन ई लाली गांव में रहक से डरायना। भगवान परशुराम का टांगीनाथ धाम आवेक और हिया फरसा गाड़े कर पाछे भी एगो कहानी है। मानल जाएला कि त्रेता युग में जनकपुर में माता सीता का स्वयंवर होयक पहर जब भगवान राम शिव जी का धनुष के तोड़ लगतो एकाएक एगो डर डरान आवाज निकल लग जेके सुन के परशुराम जी खीसे जनकपुर पहुंच गए और भगवान राम और लक्ष्मण के बगैर चिन्ह ले ढेरे भला बुरा कहले। मुदा जखन उनके पता चलेला कि श्री राम जी भगवान विष्णु कर अवतार है कहीं तो बहुते लजाय गए और पश्चाताप करे लागिन एगो घनघोर जंगल माझे एगो पहाड़ी में गेले और अपन फरसा के गारते तपस्या करे लागले। ओहे जगन के आज टांगीनाथ धाम कर नाव से जानल जाएला। बताल जाएला कि फरसा कर अलावे भगवान परशुराम कर पद चिन्ह भी हुआ मौजूद है। टांगीनाथ धाम में सैकड़ों शिवलिंग और पुरखा परिया कर मूर्ति मन खुला आसमान कर नीचे विराजमान है। बताल जाएला कि 1889 ईस्वी में पुरातत्व विभाग द्वारा यहाँ खुदाई करवाल जाए रहे जेकर में हीरा लागल मुकुट और सोना चांदी कर गहना सहित ढेरे कीमती सामान मन भेटाए रहे, मुदा अचके खुदाई के बंद करल गेलक जेकर का कारण है आज भी रहस्य बनल है। हुए खुदाई में पावल सब सामान के आज भी डुमरी थाना में जोगाए के राखल जाए। बाबा टांगीनाथ धाम कर एगो और विशेषता है, हियाँ गांव कर बैगा मन द्वारा पूजा करवाल जाएला। इकरो पाछे एगो कहानी है। कहल जाएला कि बैगा मन कर पुरखा सूरत मांझी और मूरत मांझी औरंगाव कर रहवैया रहे जे उबेरा सुरगुजा राज्य में रहे। दुयो भाई सुरगुजा राज्य कर कर्मचारी रहे, कोनो काम के लेके हुआ कर राजा साहेब दुयो भाई से खिसाई गेले और उमन के सिक्कड़ में बांध के भुइया भीतर गाड़ देले। मुदा भगवान टांगीनाथ कर कृपा से उ दुयो भाई भुइया भीतर से निकस के भागे में सफल हो गए और दुयो भाई गोटे खीरन कर झुंड में मेसा होते बरवे परगना कर बोखरी गांव पहुंच गए। रात के सथाल पाछे हिंटते हिंटते कटे टोली नवाडी पहुंच गए। कटे टोली मंजगांव कर पासे है। हुए दुयो भाई कर तनी दिन रहल बाद उमन के बाबा टांगीनाथ सपना में आले और अपन दरबार में आवे कर बात कहले और मूरत मांझी भगवान कर आज्ञा कर पालन करते मंजगांव में मंदिर के पालें और भगवान कर पूजा अर्चना करते उकर भक्ति में डूब गए। यह घटना कर बादे मूरत मांझी कर उत्तराधिकारी मन ई मंदिर कर पुजारी कर रूप में पूजा करवाए लगले और यह मन के अब बैगा कहल जाएला। अब इनकरे परिवार वाला मन द्वारा हिया पूजा अर्चना करवाल जाएला। बाबा टांगीनाथ धाम में सावन कर महीना में श्रद्धालु मनक भीड़ लागल रहेला, मुदा कार्तिक कर महीना में पूर्णिमा कर दिन एगो मेला कर आयोजन करल जाएला जे अक्टूबर नी तो नवंबर महीना में होवेला। कार्तिक महीना में टांगीनाथ धाम कर दृश्य अति मनमोहक
सबक दिल के मोहक वाला होयला टांगीनाथ धाम का चाइरो आरा धान कर लहलहात बाइल और सुरगुजा कर फूल चाइरो कोना पियर दिसेला। इसन समय में टांगीनाथ धाम कर दर्शन अलौकिक आध्यात्मिक अनुभूति प्रदान करेला। इपहर में छोटा नागपुर कर गीत संगीत मासूरी कर धुन और चरई चिड़िया कर चेरे बेरे से मन गो भाव विभोर हो उठेला। मेला में नागपुरी गीत संगीत और नृत्य कर आयोजन सगरराइत करल जायला जे पूरा माहौल के रसमय बनाए देला। नागपुरी गीत और संगीत में राइत सगर राग रागिनी कर झमझम बारिश होवेला जेकर में गीत और नृत्य कर संगे डमकच झुमटा मर्दानी झूमर जनानी झूमर अंगनई डेढ़धारा गोलवारी बंगला सहित कई बरन कर राग रागिनी मांदर और ढोल कर ताल से नी नाचेक वाला श्रद्धालु मन भी नाचेक ले मजबूर हो जाना। खास करके गुमला जिला कर महान नागपुरी गायक रामुचित सिंह महावीर साहू जैसन एक से एक गायक मन अब टांगीनाथ उपरे गीत गाय के इकर महत्व के औरे बढ़ाए दे हैं। एखन हाल में नवा नवा उभरता हुआ कलाकार मन भी टांगीनाथ पर एक से एक गीत बना है। खास करके बीरू नायक पुनीत दुबे दयाल इद्वार सहित औरों कलाकार मन हम संस्कृति के बचाए में और टांगीनाथ कर महत्व के बढ़ाए में लागल हैं। मोर नाम राहुल बैया के इधर बैया पुजारी पूजा पाठ करवेल पंडित मन इधर नहीं कराए तोरो रही है कब से आई हमर पीढ़ी तक देखो इधर कम से कम सब्जू टाइम से आए बहुत पहले से आए तो रो रही है कब से आई इधर में करीब करीब 8 साल से मैं पूजा पाठ कर और रोर बाबा मन कई साल से यहाँ रहे मोर बाबा मन तो अभी न खे लेकिन मन बहुत साल से इधर रह दादा पर दादा हमें बहुत साल से आए हमर जमीन जगह घर मकान सब नीचे बस्ती में बाबा टांगीनाथ कर ही मिलल है। आज टांगीनाथ में हमर बीच उपस्थित हैं बैगा राहुल जी। तो बाबा रोरे टांगीनाथ कर बारे में का जानी लो बताए दो हमर दर्शक मन के। त्रिशूल के टांगीनाथ कर के लोहरा जाति मने तोड़ के कहीं ले जी रहा है अपन घर में कुछ बना के ले फिर कुछ दिन के बाद में पागल हो गए फिर लाइन की जगह राख देने प्रसाद त्रिशूल के तब से लोहार जाति जग नहीं बसे नहा जग पूजा पाठ करे नहा घर मकान बनाए के नहीं रहे नहा हमें मन बैगा पुजार मन ही सात जन हमें पंडित ना लगी और जग जे भी आवेन दर्शन करे ला अपन मन्नत लेके सब पर मनोकामना पूरा हो कोई नरियर गछन कोई बकरा गछन उस हिसाब से जग पूजा पाठ शुरू हो और शिवरात्रि में बहुत बड़ा मेला लागल है और मेला कर दूसरा दिन बलि होल है बहुत भीड़ रहल है और सावन में भी बहुत बड़ा मेला लागल है। टांगीनाथ कर नाम पड़े कर पीछे कारण है कि साउत राजा छत्तीसगढ़ डिपाडी में जो है ऊकर से लड़ाई होलक तो बाबा टांगीनाथ हिया कर जे रहले जंगल झाड़ में लंगोटी में उमन अपन गुस्सा से टांगी से मारलक इजक से छत्तीसगढ़ कर राजा के और वहाँ जाके वो राजा मर गलत तब से बाकी चेला चुटिया और बैगा पहान मने टांगीनाथ बाबा कहे लगने तब से टांगीनाथ से प्रसिद्ध होलक के टांगीनाथ मंदिर। और जब भीतर पूजा पाठ करे हमें बैगा मन या कवेल घर गचित से भीतर चंदन कर फुटरा हके और शिव जी उसी चंदन कर फुटरा में अंतर ध्यान है और वही जगह मन्नत फल और वही जगह मेन पूजा हो। सबसे पहले नागपुरी न्यूज चैनल में टांगीनाथ निवासी बीरू नायक कर हम स्वागत करीला। तो बीरू जी रोरे नागपुरी में बाबा टांगीनाथ कर ऊपर एगो गीत गा के रोरे सुना। टांगीनाथ बाबा कही पुकारो इ भोलेनाथ बाबा कही पुकारो आज प्रभु रे मनाय आज प्रभु रे पारी सुतब का आता की नींद रे बया
प्रभु रे पारी जागी नत बाबा कही पुकारो भोले नत बाबा कही पुकारो आज प्रभु रे सनाय आज प्रभु रे पारी प्रभु रे पारी नत बाबा कही पुकारो भोले नत बाबा कही पुकारो आज प्रभु रे मना आज प्रभु रे पारी कागी नत बाबा कही पुकारो भोले नत बाबा कही पुकारो आज प्रभु रे सना दुर्गा मैया की जय हर हर महादेव बम बम कैला सापति आदि